दोस्त, हम अपने आम जीवन में बहुत सारी चीजों की परछाई देखते हैं, लेकिन कभी उन पर गौर नहीं करते। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी परछाई नहीं बनती, और उनमें से एक है आग। दोस्तों, क्या कारण है कि आग की परछाई नहीं बनती और क्या है इसका साइंटिफिक रीजन? दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर कभी हम माचिस या मोमबत्ती जलाते हैं तो ये हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी और मोमबत्ती की परछाई तो बन रही है, लेकिन आग की परछाई कभी नहीं बनती। दोस्तों, आग की परछाई न बनने के दो साइंटिफिक कारण है। दोस्तों, पहले आप ध्यान से सोचें कि परछाई बनती किस कारण है। दोस्तों, जब किसी चीज के लाइट आर पार नहीं जा सकती तो उस जगह पर अंधेरा बन जाता है, मतलब उस चीज की शेप में प्रकाश वहां पर रुक जाता है तथा आगे नहीं पहुंच पाता। और हम जानते हैं कि जहां पर प्रकाश नहीं होता वहां सब कुछ काला दिखाई देता है, और इसी कारण उस काले क्षेत्र को ही हम अपनी भाषा में परछाई कहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी परछाई किसी चीज के होने से नहीं बनती, बल्कि प्रकाश के न होने से बनती है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आग रोशनी का एक स्रोत है, और जितनी रोशनी आग की लपटें रोकती है उतनी ही रोशनी वह आगे ट्रांसफर कर देती है। इसी कारण जिस जगह में अंधेरा होना चाहिए था और वहां पर आग की रोशनी पहुंच जाती है। तो हमने अभी आपको बताया कि परछाई हमेशा प्रकाश के न होने से बनती है, लेकिन उस जगह को प्रकाश आग दे देती है, इस कारण वहां पर अंधेरा नहीं बनता, और अंधेरा न होने के कारण वहां परछाई नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, अगर कभी आप माचिस की तिली जलाओ और उसकी परछाई बने तो समझ लेना वो पूरी तरह आग नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी मौजूद हैं जिस कारण उनकी परछाई बनती है, आग की कभी परछाई नहीं बनती। तो अब आप सोचोगे कि अगर आग अपने अंधेरे को खत्म कर सकती है तो उन गैसों के अंधेरे को भी खत्म कर सकती होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि वो गैसें तभी बनती हैं जब आग कम हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कह ले उनके बनने के कारण ही आग कम होती है, इस कारण आग उनकी परछाई को खत्म नहीं कर सकती। तो आगे से हमेशा याद रखना कि रोशनी की कभी परछाई नहीं होती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे किसी भी चीज की परछाई को खत्म किया जा सके? तो इसका जवाब है हाँ और ना, मतलब कि किसी भी चीज की परछाई को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पूरी तरह छुपाया जरूर जा सकता है। इसका तरीका ये है कि अगर किसी चीज पर पूरे 90 डिग्री से प्रकाश गिरता है तो उस चीज की परछाई पूरी तरह छुप सकती है, और जिस पॉइंट से लाइट गिरेगी उस पॉइंट को सब सोलर पॉइंट कहा जाता है। देखिए इस प्रकार, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।